सो फाइनली दोस्तों Vivo X100 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है और हमारे सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइस, डिटेल सब कुछ निकल के आ चुकी है। वैसे देखा जाए तो Vivo X100 स्मार्टफोन के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। पहला स्मार्टफोन होगा Vivo X100 और दूसरा होगा Vivo X100 Pro स्मार्टफोन, और दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है फर्स्ट लुक Vivo X100 Pro 5G स्मार्टफोन का। फर्स्ट लुक देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के लुक सेम देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं डिजाइन की, तो यहां पर आपको पीछे की तरफ एकदम डायल शेप में कैमरा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। वहीं पर नीचे की तरफ आपको Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहां पर जो बैक पैनल है वो आपको मैट प्लस शाइनिंग ग्लॉसी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट डिस्प्ले की बात किया दोस्तों, तो यहां पर आपको पंच होल कटआउट देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको कर्व डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में बात करें इसकी साइज और स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों, तो 6.78 इंच की LTPO डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पर ये जो रिफ्रेश है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इवन यहां पर आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। रिजोल्यूशन की बात किया दोस्तों, तो यहां पर आपको 1260x2800 पिक्सल रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे या फिर गेम्स को कंज्यूम करते हैं, तो यहां पर आपको काफी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी, शार्पनेस बढ़िया रहेगी, कलर एक्यूरेसी रहेगी, और यहां पर जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले को लेके आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, तो कहीं पर भी आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सो डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको बताई है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा कंपार्टमेंट की दोस्तों, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 50 megapixel का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में 50 megapixel का आपको यहां पर एक और कैमरा देखने को मिलेगा, 4x3x जूम भी देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको 50 megapixel का एक और कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको यहां पे Zeiss का ऑप्टिक्स लेंस देखने को मिल जाएगा, जहां से आप 8K तक की आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें यहां पे फ्रंट कैमरे की दोस्तों, तो यहां पर आपको पंच होल कटआउट के साथ में 32 megapixel का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पर आपको HDR सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में यहां पर आप 1080p तक की भी रिकॉर्डिंग यहां से कर सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरास के अंदर आपको OIS का फीचर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके हाईलाइटिंग पार्ट की, जो कि है इसका प्रोसेसर। तो बताया जा रहा है Vivo X100 Pro के अंदर दोस्तों आप MediaTek Dimensity 9300 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और यहां पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर 5G सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रैम और स्टोरेज की बात किया दोस्तों, तो आपको बेसिक वेरिएंट ही इसके अंदर 12GB से देखने को मिलेगा, साथ ही में यहां पर आपको 512GB तक का एक वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इवन यहां पर आपको 16GB तक की रैम भी देखने को मिल जाएगी। यहां पर कहीं पर भी आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, ड्यूल सिम आप इजीली यूज कर सकते हैं, दोनों ही 5G सपोर्टेबल होंगे, और यहां पर आपको UFS 4.0 स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएगा। तो UFS स्टोरेज टाइप 4.0 मिल रहा है दोस्तों, तो स्क्रॉलिंग, प्रोसेसिंग और नाइट फोटोग्राफी के लिए स्पेशली यहां पर आपको काफी बढ़िया स्पीड देखने को मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो एंड्रॉइड 14 मिलेगा, जो कि अपडेटेड वर्जन होगा, साथ में यहां पर आपको ओरिजिन OS 4 मिलेगा, जो कि वो भी एक अपडेटेड वर्जन होगा। बात कर लेते हैं यहां पे दोस्तों सेंसर्स की, तो यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉकिंग ऑप्शन मिलेगा, पैटर्न लॉक ऑप्शन मिलेगा। वही बात करें यहां पे नेटवर्किंग की, तो यहां पर आपको 4G 5G सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई भी मिल जाएगा, साथ ही में यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.4 भी अपडेटेड वर्जन देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पे बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो Vivo X100 Pro के अंदर आपको 5400mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो कम से कम 100W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वही बात करें यहां पे Vivo X100 की, तो यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जहां पर ये जो डिवाइस है वो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको बैटरी का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्सटर्नल लुक्स एंड चीजों की, तो वॉल्यूम रॉकर आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको लॉक अनलॉक करने का एक बटन देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको 3.2 USB टाइप सी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको OTG भी सपोर्ट मिल जाएगा। इवन यहां पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बताया जा रहा है स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। बाकी स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों आपको अलग अलग टाइप के कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में दोस्तों एक जो फीचर मिलता है वो है IP68 की रेटिंग। जी हां, ये जो स्मार्टफोन है वो IP68 रेटिंग के साथ में आएगा, जहां पर ये जो स्मार्टफोन है वाटर एंड डस्ट असिस्टेंट है, तो यहां पर आपको 1.5 मीटर तक एटलीस्ट 30 मिनट तक आप यहां पर रख सकते हैं, और यहां पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की दोस्तों, तो फोन काफी बढ़िया होने वाला है, बड़ा होने वाला है, कर्व डिस्प्ले होगा, एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको यहाँ पर ग्लास देखने को मिलता है, बैक में भी ग्लास देखने को मिलेगा, तो एक काफी बढ़िया प्रीमियम स्मार्टफोन बनाया जा रहा है Vivo की तरफ से। साथ ही में बात कर लेते हैं इसके लॉन्चिंग डेट और प्राइस की दोस्तों, तो हाल फिलहाल चाइना में इसे लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों, और वहीं बात करें इंडिया की, तो 4 जनवरी 2024 के अंदर इंडिया में दोनों ही स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ ज्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर, बट प्राइस का डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो वहीं बात करें हम Vivo X100 Pro की, तो वो आपको तकरीबन 70-75,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें हम Vivo X100 की, तो वो फोन आपको कम से कम 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा वाला वेरिएंट परचेस करेंगे, उस हिसाब से उसकी प्राइस होगी। सो ओवरऑल ये सारी चीजें थी Vivo X100 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में दोस्तों। आपके क्या ओपिनियन है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा वो भी जरूर बताएं। साथ ही में वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तब तक लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।